चुनाव से पहले शिक्षा सत्य को सुधारने की बात की गई थी, आपने क्या कदम उठाया? कोरोना का जो की स्टार्टिंग थी, जो एक भयंकर बीमारी लगा लो, जिसने सब कुछ बंद कर दिया था। बेटियों के लिए बस चलाई गई थी जो कि फ्री थी, अब वे बंद क्यों हो गई? नहीं, तो हम पूरा पूरा ध्यान देंगे शिक्षा का, जहाँ जो कमियां उनको दूर करेंगे। नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं एनएन मीडिया। आज हम पहुँचे हैं सिद्ध वाला मंदिर निंदाना में। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची है बलराज कुंडू की धर्म पत्नी परमजीत कुंडू से मुलाकात करवाते हैं हम आपकी। आइए परमजीत जी, एनएन मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, राम राम सभी को, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आज जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, भगवान से मेरी यही कामना है कि यह त्यौहार आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और उल्लास भरा हो। आज के आयोजन के बारे में बताइए। नहीं, जो आज ये जो आपका सत्संग भवन इस गांव में का उद्घाटन था, उसकी मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस सत्संग भवन के लिए। और जो आज प्रोग्राम था, ये बहुत सारी बहनें और माताएं जो यहाँ पे मौजूद थी, तो उनको नए साल की शुभकामना भी हमने दी, और बहुत अच्छा लगा आप सब से मिलके। चुनाव से पहले शिक्षा सत्य को सुधारने की बात की गई थी, आपने क्या कदम उठाया? देखिए, शिक्षा स्तर का जो आप सुधारने का आप जो बोल रहे हो, अभी तो जो ये कोरोना का जो की स्टार्टिंग थी, जो एक भयंकर बीमारी लगा लो, जिसने सब कुछ बंद कर दिया था, शिक्षा जो अपने संस्थान है वो भी सब बंद हो गए थे कोरोना की वजह से। अभी कोरोना खत्म होने पे है, और स्कूल और कॉलेज जब खुलेंगे तो हम पूरा पूरा ध्यान देंगे शिक्षा का, जहाँ जो कमियाँ उनको दूर करेंगे। चुनाव के समय कॉलेज वाली बेटियों के लिए बस चलाई गई थी जो कि फ्री थी, अब वे बंद क्यों हो गई? नहीं, बंद तो इसलिए होगी ना, क्योंकि स्कूल और कॉलेज सब बंद है। अभी स्कूल और कॉलेजेस सब अभी सब खुल गए हैं, और 15 के बाद संक्रांत के बाद अभी 2 दिन में हमारी बसेस चालू हो जाएंगी लड़कियों के लिए। बसें हमने कभी बंद की ही नहीं थी, जो लड़कियों के लिए थी बसें, वो हम बंद क्यों करेंगे? बसें चालू हो चुकी है 2-3 गाँव में तो, और अभी सारी बसें चलेंगी।